हरी बोलो हरी हरी बोलो हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे। तो मैं आ गई हूँ आज आपको लेकर के दिवाली की शॉपिंग के लिए। भाई दिवाली की पूजन की आवश्यक सामग्री क्या क्या होनी चाहिए उसके लिए, तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरी बोलो। बोलो हरी हरी बोलो हरी हरी बोलो जी। जी तो ये देखिए मैं आ गई हूँ भैया की शॉप पे, पंसारी भैया की शॉप पे, और आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि क्या क्या सामग्री आपको दिवाली की पूजन के लिए चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम दिवाली की चौकी, पूजा की चौकी से। सबसे पहले हमें चाहिए एक साफ सुथरी पूजा की चौकी, उसके बाद हमें चाहिए एक लाल कपड़ा आसन के लिए, हाँ छोटा दे दीजिए इसके जितना हो। कि एक मैंने आसन ले लिया है, पूजा की चौकी हो गई, आसन हो गया। अब हमको चाहिए कलश। कलश के लिए आप मिट्टी का कलश भी ले सकते हो, और आप जो है वो जो घर में अगर आपके तांबे का पीतल का कलश हो तो आप वो भी ले सकते हो। भैया कोई भी तांबे या पीतल तरीके का एक हमें साफ कलश ले लेना है। आप मिट्टी का भी कलश ले सकते हो। फिर कलश में डालने के लिए, अब मैं वो सब चीज़ें आपको आगे बताऊंगी, जनेऊ चाहिए। इसके लिए हमें अशोक के पत्ते वगैरह चाहिए, नारियल चाहिए होगा जटा वाला, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ की चीज़ें दिखाती हूँ। तो हमें जनेऊ, सुपारी, हल्दी की गांठ, भैया जनेऊ रहा, सुपारी हो गई, हल्दी की गांठ चाहिए हमें, और कलावा चाहिए। देखिए हल्दी की गांठ हो गई, जनेऊ हो गया, सुपारी हो गई। उसके बाद में आप चांदी का सिक्का इसमें डालने के लिए ले सकते हो। चांदी का सिक्का ना हो तो आप नॉर्मल सिक्का भी ले सकते हो। भैया एक कलावा भी दे दीजिए, कलावा। और सात अनाज आपको रखना होता है। सात अनाज में देखिए, अभी बाद में देखिए कलावा हो गया, और ये सप्तधान भैया जो दे रहे हैं वो मिक्स दे रहे हैं। आप देखिए इसमें सप्तधान है, इसमें गेहूँ, जौ। आप अगर चाहें तो इस तरीके का सप्तधान भी ले सकते हो, नहीं तो आप अपने घर में जैसे चने हो गए खड़े, और बाकी जितनी चीज़ें होती हैं मैं पिक डाल दे रही हूँ ऊपर, देखिए आप ये भी ले सकते हो। सात अनाज हो गया। अब हमको जो सबसे इम्पोर्टेंट चाहिए वो चाहिए धनिया, खड़ी धनिया, और कमल गट्टा हो गया, खड़ी धनिया हो गई। भैया खड़ी धनिया, कमल गट्टा, खड़ी धनिया हो गई, ये रहा खड़ी धनिया, ये आपको धनतेरस वाले दिन ही खरीद लेना है, मैंने पहले वीडियो डाल दिया है। कमल गट्टा, सिंदूर, और ये रहा देखिए कमल गट्टा। फिर उसके बाद में देखिए कमल गट्टा हो गया, ये रहा गोमती चक्र, और ये रही कौड़ियाँ। ये जो आपको लेना होता है ये धनतेरस पे ही लेना होता है, सारी चीज़ें मैं पहले ही वीडियो डाल चुकी हूँ। और ये रहा सिंदूर, कलावा। ये हमारी पूजन की सारी चीज़ें जो है वो पूर्ण हो रही है। कुछ कुछ अब कुछ चीज़ें रह गई हैं। भैया सुहाग की सामग्री दे दीजिए, सुहाग की सामग्री का पैकेट है। अब इतनी सारी पूजा की सारी सामग्रियाँ हो गई। फिर भैया सबसे ज़रूरी देखिए, ये रहा रंगोली के कलर्स, और भैया ये सुहाग की सामग्री खोल दीजिए। देखिए आप चाहें तो सुहाग की सामग्री को पैकेट में भी ले सकते हो, नहीं तो आप अलग अलग भी ले सकते हैं। ठीक है, सारी सुहाग की सामग्री भैया ने दिखा दिया है, आप चाहें तो पैकेट में ले सकते हो, और यदि आप चाहें तो आप अलग से भी ले सकते हो। तो ये हो गया इतना सारा सामान। और फिर उसके बाद में सबसे अहम बात आती है, भाई दीपक के बिना कैसे ही दिवाली मनेगी। तो ये रहे सारे देखिए दीपक, आप अपने हिसाब से दीपक ले सकते हो। वैसे आप चाहें तो ज़्यादा दीपक लेके आइए, क्योंकि दिवाली में दीपक लाना अति शुभ है, और ऐसा लाएं कि आपका बात तक चल सके। और ये देखिए इस तरीके के सुंदर सुंदर दीपक भैया की शॉप पे मेरे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। ये चौघड़ी दीपक है, ये चौघड़ी दीपक भी आप इस तरीके से ले सकते हो। ये रहा फिर ये रहा चरण पादुका। अगर चरण पादुका आपने धनतेरस में नहीं लिया है तो चरण पादुका आप दिवाली में मत छोड़िएगा, ले लीजिएगा जरूर से। फिर बात आ जाती है भैया लक्ष्मी गणेश जी की इस तरीके की मूर्ति का। देखिए ये जो लक्ष्मी और गणेश जी की जो आप ये मूर्ति देख रहे हैं, मिट्टी की मूर्ति है। मिट्टी की मूर्ति केवल वही लोग बदलते हैं जो लोग मिट्टी की मूर्ति की साल भर विग्रह की पूजन सेवा करते हैं। जिनके घर में भी किसी भी धातु के लक्ष्मी माता गणेश जी है उनको हर साल बदलने की आवश्यकता नहीं होती है जी। तो इस तरीके की आपको हंसती मुस्कुराती हुई देखिए कितनी ही सुंदर भैया जो के पास में लक्ष्मी माता गणपति जी विराजमान है कमल के फूल पे, और कितनी आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में, और सिक्कों को गिराते हुए इसी मुद्रा में हमेशा लेनी चाहिए जी। तो ये रहा कुछ पूजन की सामग्री जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किया। और देखिए ये भैया आपको इस तरीके
तरीके की, तो इस तरीके की आपको कुबेर पोटली धन प्राप्ति की पोटली भी मिल जाएगी अगर आपके पास में पूरा बनाने का समय नहीं है। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके साथ में शेयर करूँ कैसे बनती है, नहीं तो आप इस तरीके से ले भी सकते हैं। तो जी ये था मेरा आज का कुछ वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ में शेयर किया है कि आपको सारा दिवाली की जो आवश्यक सामग्रियां हैं, देखिए इसमें मैंने आपके साथ में पुष्प, इसके जो केले, जो अशोक के पत्ते, आम के पत्ते का आपको प्रयोग करना है, पुष्प लेना है, फल लेना है, फल में आपको जो सीता फल होता है वो ज़रूर लेना है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं शेयर कर रही हूँ। बाकी एक अहम चीज़ लेना बिल्कुल ना भूलिएगा, देखिए जहाँ पे मेरे लक्ष्मी माता के जो पति परमेश्वर हैं वो होंगे वहीं पे माता दौड़ी चली जाती हैं। तो विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की साथ में प्रतिमा आपको इस तरीके का आवश्यक है, ज़रूर लीजिएगा। आप यदि पीतल के लेना चाहें तो आप पीतल के भी ले सकते हैं, और नहीं तो आप कैलेंडर में भी ले सकते हैं, चित्रपट भी ले सकते हैं मेरे प्रभु, मेरे प्यारे नारायण और महालक्ष्मी माँ का। तो इस तरीके से आपकी बहुत ही सरलता से और बहुत ही आसान, देखिए मैंने कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई हैं, हवन वगैरह अगर आपके घर में होता है तो आप वो उस तरीके से हवन का देख सकते हैं। बाकी सारी सामग्रियां मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है, आप इस तरीके से सब कुछ ले सकते हो। शुभ चीजों का लेना अति शुभ होता है, आप चाहे तो आप कछुआ भी ले सकते हो धनतेरस वाले दिन, पीले में, पीतल में लीजिएगा, कांच का, प्लास्टिक का कोई भी चीज़ मत लीजिएगा। और देखिए किस तरीके से भैया के पास में भी, ये जो पंसारी भैया हैं ये बिल्कुल मेरे घर के पास में और बहुत ही ज़्यादा क्लोज भैया हैं, मैं रात में ही आराम से आती हूँ भैया के पास में, आराम से रात में आती हूँ, जब भैया के पास भी समय होता है मैं सारी चीज़ें आराम से देख के लेती हूँ। ये रहा एकाक्षी नारियल, आप इनको भी चाहे तो ज़रूर ले लीजिएगा यदि धनतेरस में आप नहीं ले पाए हो तो। जी कुछ तरीके से देखिए, और दिवाली में आरती करने के लिए, जैसे ये आप देख रहे हो आरती करने के लिए, ये सारी चीजें तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो दीप और सारी चीजें खूब अच्छे से जरूर लीजिएगा। आप लोगों को सारी सामग्रियां जो है वो समझ में आ गया होगा। ये है मेरे भैया जो कि बहुत बिजी है इस समय, और ये रहा देखिए सारे दीपक वगैरह। तो चलिए मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। आशा करती हूँ आप लोगों को जो भी पूजन की सामग्री हो, देखिए मैं फिर बताती हूँ, जो सप्त धान सप्त अनाज जो होता है वो भैया लोग जो देते हैं वो पूरा पैकेट में मिक्स होता है, जौ हो गया, गेहूं हो गया, और देखिए इसमें इस तरीके के और भी सारे चीज़ें हैं, चने हैं, देखिए इस तरह से चने वगैरह सारा है, आप चाहें तो ये ले सकते हो, नहीं तो आप अलग अलग भी चढ़ा सकते हो। जी तो चलिए मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी, आज के लिए बस इतना ही। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल। सारा सब कुछ मैंने शेयर कर दिया है और रात हो चुकी है, मैं तभी आती हूँ जब भैया लोग के पास थोड़ा समय होता है। तो ये सारा सामग्री आपको चाहिए, पूजा की चौकी यदि आपके पास में है तो दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं है, साफ शुद्ध लाल कपड़ा और बाकी सारी चीजें आप अवश्य ले लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोल, हरि हरि बोल, राधे राधे जी, हरि बोल। ये इस तरीके से जो ये प्यारे से उल्लू है इनको भी जरूर बैठाइएगा, ये भी जरूर होते हैं। और ये जो ग्वालन है, ये ग्वालन लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये ग्वालन जरूर लिए जाते हैं, उल्लू हो गया ये ज़रूर लिया जाता है, वाहन है ये महालक्ष्मी माँ का। और साथ में आपको सेठ सेठानी भी लेने होते हैं, वो यहाँ पे भैया के पास में मुझे लग रहा है नहीं है। बाकी आपको ग्वालन वगैरह, खेल खिलौने जो भी आप लेना चाहें वो ज़रूर लेना होता है जी। और ये लड़ियाँ वगैरह सब सजाने के लिए, तो ये सारी चीज़ों का भी अति अति आवश्यक आपको लेना ही लेना है। और आप चाहें तो कमल गट्टे की माला भी आप ज़रूर लेके लक्ष्मी माता को ज़रूर पहनाइएगा जी। तरीके से देखिए रंगोली बनाने का भी आप सारा सब कुछ ले सकते हो। ये रही कमल गट्टे की माला, आप ये भी ज़रूर लें। और इस तरीके का आप जो चित्रपट है, देखिए कितना ही सुंदर कैलेंडर है, महालक्ष्मी माँ, गणेश जी और सरस्वती जी का होना बहुत ज़रूरी होता है, तो इस तरह से आप ये भी ले सकते हो जी। सारी पूजन की सामग्री हो जाने के बाद में अब मैं आपको बताती हूँ कि अत्यंत जो आपको मिष्ठान चाहिए और जो खील बताशे चाहिए उसमें क्या क्या चाहिए। तो देखिए सबसे पहले ये जो खील बताशे और जो शक्कर के ही खिलौने होते हैं, खीर, लइए, चूरे, और ये सारी चीज़ें भी ज़रूर लीजिएगा।
फिर उसके बाद में मिष्ठान में देखिए आप, मिष्ठान में जो भी मिष्ठान में भोग लगाइए, लेकिन खीर का भोग महालक्ष्मी माँ को, राधा रानी को मेरे ज़रूर लगता है। फिर उसके बाद में ये इन दोनों चीज़ों के बाद है फलों में अनार, अनार का भोग और सीता फल जो शरीफा होता है उसका भोग माता को ज़रूर लगेगा। फिर बात आती है देखिए मेरी महालक्ष्मी माँ मेरी राधा रानी को जो अनार है और खीर है बहुत ही कोमल चीज़ें ये बहुत ज़्यादा पसंद हैं। फिर उसके बाद में आपको शुद्ध देसी घी का ही दीपक जलाना है लाडो के लक्ष्मी माँ के पास में, उनकी चौकी के पास।